दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य जिसके नियम कानून सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ शादी से पहले लड़कियों को प्रेग्नेंट होना पड़ता है और उसी के आधार पर वो अपना वर चुनती हैं। और अगर लड़का शादी करने से मना करता है तो उसको मिलती है खौफनाक सजा। इसी के साथ शादी के बाद यहाँ अवैध संबंधों पर कोई रोकथाम नहीं है। आप जिसके साथ चाहे उसके साथ अवैध संबंध बना सकते हैं। यहाँ ना पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन होता है और न ही पति या पत्नी को। इस राज्य का बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार से, और इसके बॉर्डर पर कुछ ऐसे गांव हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे घर हैं जिनका बेडरूम तो इंडिया में है लेकिन किचन म्यांमार में है। ऐसी बहुत सारी दिलचस्प और खास बातें हैं इस राज्य के बारे में जानने के लिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस खास वीडियो की जिसमें आपको आज बहुत सारी हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। और हमारा ये सफर आज जा रहा है भारत के बेहद ही खूबसूरत और पहाड़ी राज्य की सैर पर जिसका नाम है नागालैंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस सफर की। दोस्तों, नागालैंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो कि भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। नागालैंड के रॉक स्टार भारत की धरती पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हिल स्टेशन में से एक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों, और ये सबसे बड़ा शहर दीमा है। नागालैंड की यात्रा केवल प्रकृति प्रेमियों को ही पसंद नहीं आती बल्कि जो इतिहास को, संस्कृति को, रीति रिवाजों को जानना चाहते हैं वो भी नागालैंड आते हैं और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के नियम कानूनों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नागालैंड की संस्कृति, नागालैंड की पोशाक, नागालैंड के लोग और नागालैंड के खान पान से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, नागालैंड में शादी काफी दिलचस्प होती है और यहाँ की शादी किस तरह से होती है ये जानने के लिए हर कोई बेताब रहता है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर नागालैंड में शादी किस तरह से होती है। दोस्तों, यहाँ पर जब कोई नागा लड़की जवान हो जाती है तो उसे घर का एक कमरा दे दिया जाता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पुरुष के साथ सेक्स कर सकती है। इसमें उसके माता पिता उसे रोकते टोकते नहीं है। हालांकि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे उसी पुरुष के साथ शादी करनी होती है। यदि पुरुष शादी के लिए इनकार करता है तो उसको समाज के द्वारा दंड दिया जाता है। जब किसी नागा जाति लड़की की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है, जब तक ससुराल के अंदर रहती है और अन्य लड़कों के साथ संबंध नहीं बना सकती। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव आती है, ससुराल के नियम कायदे वहीं पर छोड़कर आती है और वो यहां पर किसी भी पुरुष के साथ संबंध आसानी से बना लेती है। वहीं उस लड़की का पति भी उसके जाने के बाद किसी भी कुंवारी लड़की के साथ संबंध बना सकता है। दोनों को ये इजाजत दी जाती है। दोस्तों, थोड़ा सा नागालैंड के इतिहास के बारे में जानते हैं। वैसे दोस्तों, नागालैंड का इतिहास अज्ञात सा है, यानी ज्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र में अपना अधिकार जमा के रखा। नागालैंड के चर्च के सामने वो सफल नहीं हो पाए। हालांकि भारत को आजादी तो मिल गई थी लेकिन नागालैंड आजाद नहीं हुआ था। 1 दिसंबर 1963 के बाद इस क्षेत्र को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी इस क्षेत्र ने आजादी की सांस ली। दोस्तों, नागालैंड में चांग, कोनियांग, लोथा, सेमा, फोन, अंगामी और रेगमा भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है दोस्तों। दोस्तों, आपको पता है नागालैंड राज्य की कला और संस्कृति किसी से छिपी नहीं है। नागालैंड की अनोखी परंपरा और रीति रिवाज है राज्य को और अधिक लोकप्रिय ये बनाती है। विभिन्न धर्मों की भूमि के रूप में इसे जाना जाता है। ये एक हिल स्टेशन भी कहा जाता है। भारत के खूबसूरत सुनम्य राज्य का खूबसूरत दृश्य आपको यहाँ के चाय के बागान, जंगलों, पहाड़ों और जीवंत संस्कृतियों में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नागालैंड में कई जनजातियाँ निवास करती हैं, लेकिन यहाँ की नागा जनजाति बहुत ही खास है। भारत देश के धर्म, संस्कृति और आस्था को हम पूरी दुनिया में देखते हैं। इसके अलावा देशों के अलग अलग आदर्शों में अलग अलग तरह के लोक नृत्य भी देखते हैं। जैसे नागालैंड राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य लीम और चोंग है। इसके अलावा यहाँ नृत्य शैली के भंडार है दोस्तों। यहाँ के लोगों को डांस करना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए दोस्तों, ये नागालैंड लोगों की एक विशेष पारंपरिक पोशाक है। नागा स्टैंडलैंड की वेशभूषा 3 राजवंशों को चिन्हित करती है।
इस ड्रेस के अलावा ये लोग गहनों पर बहुत फोकस करते हैं, इनकी ज्वेलरी भी बहुत खास होती है दोस्तों। और रही बात यहाँ की फूड की, तो वो तो सबसे निराला होता है दोस्तों। नागालैंड में पूरे साल जश्न और खुशी का माहौल रहता है। नागालैंड राज्य को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। नागालैंड में मनाए जाने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ की कला, संस्कृति और परंपराओं का एक उदाहरण है। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। नागालैंड का ये हॉर्नबिल फेस्टिवल आमतौर पर यहाँ के सभी 17 सितारों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। जी हाँ, 17 स्टार्स मिलकर इस प्रोग्राम को बनाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है, यानी पूरे 10 दिन तक। दोस्तों आपको पता है, नागालैंड का एक गांव है जिसका नाम है लोंगवा। लोंगवा गांव के लोग कोनियाक जनजाति के हैं और ये लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं। इस गांव की सबसे दिलचस्प बात ये है कि भारत म्यांमार की सीमा गांव से होकर गुजरती है। उससे भी बड़ी बात ये है कि ये बॉर्डर ग्राम प्रधान के घर से होकर गुजरता है और उसे दो हिस्सों में डिवाइड करता है। दूसरी तरफ भारत है और एक तरफ म्यांमार। ग्रामीणों को सीमा पार करने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो तो दिन भर इधर से उधर और उधर से इधर घूमते रहते हैं। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन कुछ घरों का बेडरूम भारत में है और कुछ घरों का किचन म्यांमार में है। दोस्तों नागालैंड में आपको एक और जहां बीचेस नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहां के एक बेहतरीन शहर दीमापुर भी जा सकते हैं। नागालैंड के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से डेवलप होता शहर है। ये शहर हवाई उड़ान के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इस वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों कोहिमा, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। नागालैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल कोहिमा नागालैंड की पहाड़ी राजधानी है। नागालैंड की राजधानी को कोहिमा नाम अंग्रेजों ने दिया था दोस्तों। वैसे इसका नाम केवहिरा है। केवहिरा नाम की उत्पत्ति इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सुंदर फूलों की वजह से हुई थी। यहाँ के फूल बहुत सुंदर है दोस्तों, इसी की वजह से इस जगह का नाम केवहिरा रखा गया। कोहिमा लोकगीत के लिए भी प्रसिद्ध है और ये स्थान समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। कोहिमा ट्रैकिंग के शौकीन व्यक्तियों के लिए भी एक परफेक्ट प्लेस है दोस्तों। दोस्तों ये है फेक, जी हाँ, नागालैंड घूमने वाली जगहों में शामिल फेक पर्यटन स्थल एक पहाड़ी क्षेत्र है। फेक पर्यटन स्थल वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आई होप दोस्तों आपको भारत के इस राज्य की सैर अच्छी लगी होगी। आई होप आपको नागालैंड पसंद आया होगा। आप में से शायद बहुत सारे लोग नागालैंड के बारे में इतना कुछ नहीं जानते होंगे जितना आज आपने जाना। अगर आपको वीडियो और वीडियो में की गई मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।